एनसीबीटी डीजीटी की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो अभी अभी मैसेज के थ्रू मिला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो देख रहे हैं आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस समय फ्री टैबलेट योजना के भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं और उस पर लगातार वीडियो आपको चैनल पर मिल रही होगी, केवाईसी हो या फिर ब्लॉक स्टूडेंट की जानकारी हो। अभी एक और वीडियो आने वाली है आज शाम तक, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि जो लोग भी आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं बिना किसी देरी के, आपको ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहिए और एक मिनिमम फीस पर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज वीडियो क्लासेस, टेस्ट देने की सुविधा होती है जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एग्जाम में। बात करें इस अपडेट की, तो अपडेट यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो 2024 में परीक्षाएं हुई आईटीआई की, उसमें बहुत से बच्चों का ऐसा भी कमेंट था कि सर हमारा प्रैक्टिकल का नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है डीजीटी की तरफ से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कई कंप्लेंट्स आ रही थी डीजीटी को, जहाँ पर बताया जा रहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स नहीं अपलोड हो पाए हैं बच्चों के जो 2024 में परीक्षा हुई है। ठीक है, तो ऐसी सभी प्रॉब्लम्स को, ऐसी केसेस को क्लियर करने के लिए, सही करने के लिए जो स्किल इंडिया पोर्टल है जहाँ पर सारी कार्रवाई होती है, इसको दोबारा से ओपन कर दिया गया है, जिससे कि एग्जामिनर, नोडल आईटीआई, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो पूरा प्रोसेस है प्रैक्टिकल नंबर अपलोड का, उसको कंप्लीट कर सके। फॉर 2 डेज टू एंटर द अप्रूव प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स फॉर द पेंडिंग केसेस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, मात्र 2 दिन का समय यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसी केस अगर आपकी भी है, आपका भी प्रैक्टिकल का नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो अपना संपर्क कर लीजिए अपने कॉलेज से, और इस वीडियो के माध्यम से भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल अपलोड करने के लिए, प्रैक्टिकल का नंबर जिसका अपलोड नहीं हुआ था, बहुत से बच्चों की समस्या थी, तो वो भाई प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करने के लिए एनसीवीटी डीजीटी की तरफ से पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। अब प्रैक्टिकल के नंबर को दोबारा अपलोड करके नोडल आईटीआई से अप्रूवल करा के इस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन समय मात्र 2 दिन का है, तो बिना देरी के आप इसको करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं दूसरी अपडेट की। ये पहले से ही चल रही है कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी सीबीटी की फीस जमा नहीं थी, जिसकी वजह से रिजल्ट वगैरह शो नहीं कर रहा था, तो सीबीटी फीस जमा करने का भी पोर्टल ओपन है। बिना किसी देरी की आप अपना पेंडिंग फीस जो है सीबीटी की, उसको जमा करिए। साथ ही बहुत से बच्चों की कंप्लेन थे कि फोटो कैप्चर, फोटो मिसिंग है सर, फोटो गायब वाली कहानी थी, तो जो मिसिंग फोटो है उसको दोबारा कैप्चर करने यानी दोबारा से अपलोड करने के लिए भी पोर्टल ओपन कर दिया गया है। आप लोग अपने आईटीआई कॉलेज से संपर्क करके अपना फोटो अपलोड करवा सकते हैं। तो 3 बड़ी अपडेट है, पहली की जिनका प्रैक्टिकल का नंबर नहीं अपलोड हुआ था, जिसकी वजह से रिजल्ट गड़बड़ हो गया या नहीं पब्लिश हुआ, प्रैक्टिकल के नंबर को दोबारा अपलोड और अप्रूव करने के लिए एनसीबीटी डीजीटी ने पोर्टल ओपन कर दिया। दूसरा, जो भी पेंडिंग केसेस थी, सीबीटी फीस नहीं जमा थी या दिखा रहा था सीबीटी फीस पेंडिंग है, आपके रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सीबीटी फीस जमा करने के लिए भी पोर्टल ओपन है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण, कि जिनका फोटो मिसिंग थी, फोटो की समस्या थी कि फोटो रिजल्ट नहीं आया भैया, फोटो मिसिंग, फोटो कैप्चर करने की भी सुविधा आईटीआई कॉलेज के पोर्टल पर ये ओपन कर दी गई है। तो ये 3 बड़ी अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से बच्चे इसमें फंसे हुए थे। तो आप लोग अपने लेवल पर अपने कॉलेज से संपर्क करें और इस समस्या का समाधान करवा लें, और ये ऑफिशियल मैसेज है डीजीटी की तरफ से। ऐसी ही ऑफिशियल, जेन्युइन और सही जानकारी के लिए ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा आईटीआई स्टूडेंट्स जुड़े हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, या ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो भी मिल जाएगा। 1 लाख+ बच्चे जुड़े हैं, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे ऐसी जितनी भी अपडेट्स आती हैं, मैसेजेज आते हैं, वो सब हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काम की लगी होगी, अगर ऐसा है, थोड़ी भी वैल्यू रखती है आपके लिए वीडियो अच्छी लगी, तो जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।